आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि चर्च कलिसिया क्या है। इसके बाद हम चर्च का उद्देश्य जानेंगे, चर्च में जाना क्यों जरूरी है। आने वाले दिनों में इस प्रकार का आपको चर्च पे मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं चर्च कलिसिया क्या है। बहुत से लोग आज चर्च कलिसिया को एक इमारत समझते हैं। यह चर्च कलिसिया की बाइबल के अनुसार की समझ नहीं है। चर्च शब्द यूनानी शब्द एक कलिसिया से आता है, जिसका परिभाषा एक मंडली या बुलाए गए हैं। चर्च के मूल अर्थ का संबंध इमारत से नहीं बल्कि लोगों से है। यह विडंबना है कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि वह किस चर्च में जाते हैं, तो वह अक्सर किसी इमारत के बारे में बताते हैं। रोमियो 16:5 कहता है, उनके घर में एकत्रित होने वाले कलिसिया को भी नमस्कार। पौलुस उनके घर में चर्च यानी कलिसिया के बारे में बात करता है। चर्च कलिसिया की इमारत के विषय में नहीं, परंतु विश्वासियों के समूह के बारे में कहता है। चर्च कलिसिया मसीह की देह है, जिसका वह सिर है। इफिसियों 1:22-23 कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह की चरणों के तले रखा और उसके सब पर शिरोमणि नियुक्त कर कलिसिया को दे दिया। यह कलिसिया मसीह की देह है, मसीह की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पैतिकुस के दिन से पैतियों का अध्याय 2 में जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मसीह की देह सब विश्वासियों से बनी है। मसीह के पुनः आगमन तक मसीह की देह में दो पहलू सम्मिलित है। पहला, सार्वभौतिक चर्च कलिसिया में सम्मिलित है, जिनका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध है। हम यहूदी हो, यूनानी हो, गुलाम हो या स्वतंत्र हो, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम सब ने एक ही आत्मा का पान किया है। कुरिन्थियों 12:13 यह पद कहता है, जो कोई विश्वास करता है वह मसीह की देह का भाग है और परिणाम के रूप में मसीह का आत्मा पाए जाते हैं। परमेश्वर का सौभौतिक चर्च कलिसिया वह है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। हालेलुया। दूसरा है, गलतियों 1:1-2 में स्थानीय चर्च कलिसिया का विवरण किया है। मुझे पौलुस और सब भाइयों को और से जो मेरे साथ है गलत प्रदेश की कलिसिया। हम यहाँ देखते हैं कि गलती प्रदेश में कई चर्च कलिसियाएं थी, जिसे हम स्थानीय चर्च कलिसियाएं कहते हैं। बैप्टिस्ट चर्च कलिसिया, लुद्रन चर्च कलिसिया, कैथोलिक चर्च कलिसिया आदि सार्वभौतिक चर्च नहीं है बल्कि स्थानीय चर्च कलिसिया है, विश्वासियों का एक स्थानीय समूह। सार्वभौतिक चर्च कलिसिया में वे सम्मिलित नहीं जो मसीह के जन हैं और उस पर उद्धार के लिए विश्वास करते हैं। इस सार्वभौतिक चर्च कलिसिया के सदस्यों को स्थानीय चर्च कलिसिया में संगति और उन्नति के लिए जाना चाहिए। संक्षेप में, चर्च कलिसिया कोई इमारत या कोई संप्रदाय या डोमिनोकेशन नहीं है। बाइबल के अनुसार चर्च कलिसिया मसीह की देह है, वह सब जिन्होंने यीशु मसीह पर उद्धार के लिए विश्वास किया है। यूहन्ना 3:16, 1 कुरिन्थियों 12:13। स्थानीय चर्च कलिसिया सार्वभौतिक चर्च कलिसिया के सदस्यों की संगति है। स्थानीय चर्च कलिसिया वह है जहां सार्वभौतिक चर्च कलिसिया के सदस्य 1 कुरिन्थियों 12 में देह के लिए नियम उत्साहित करना, शिक्षा देना और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान अनुग्रह में एक दूसरे की उन्नति करने को पूर्णतः व्यवहार में ला सके। हालेलुया। आशा करता हूं चर्च किसे कहते हैं। सबसे पहले, हमारा चर्च हमारा शरीर है, हमारा पवित्र आत्मा का वो मंदिर है। हालेलुया। तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग
मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर आपको हमारे इस प्रकार का प्रकाशन चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां प्रकाशन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।